महकमा रेवेन्यू ने बाअसर मुहालफीन से मिली भगत करके हमारी मलकियती अराजी का जाली इंतकाल अपने नाम करवा लिया है और हमें संगीन नतायज की धमकियां दी हैं। ये कहना था मियां इब्रार बरनाली का, जिन्होंने इंसाफ की दुहाई डाल दी है। मियां इब्रार का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है, उन्हें इंसाफ और उनका हक दिया जाए। मियां इब्रार बरनाली ने मुहालफीन के इल्जाम की तरदीद भी कर दी। इन मुतासरीन का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मियाँ इब्रार ना है, ऐ मेरे बुजुर्ग ने मियाँ नूर मोहम्मद साहब, ऐ चाचू जान ने चौधरी मोहम्मद अफजल। बरनाली दे रहन वाला जो इकबाल साहब का बयान सुनया है परसों, जी उन्हें वीडियो बनाई है, उन्हें कहा जी ये ताबिया मजेरे ने साडे, ये है वो है, चेची ने ये वो, ये अल्लाह की जात जानती है, असी चेची हाँ या म्याणे हाँ या मसलियाँ जो भी है, चलोका जानता सानू इन शाला अल्लाह के हुक्म नाल। तो उन्होंने क्या वा मियाँ नूर मोहम्मद लोसरबाज है, ये करदा वो करदा, ये भी अल्लाह की जात जानदी और चलोका जानदा। लिहाजा गल इस तरह इकबाल का जे रकबा है ना, तो उदे विच वीडियो बनांदा, सड़क ती लंघदियां चोरी वीडियो बनाया नहीं रकबे बनदे। ऐसी जनाब तक लो, ए वडेरे बजुर्ग ने बरनाली दे ने बग्गियां दाड़ियां वाले ने, रकबे दे विच बह के वीडियो पे बनाने, साडा रकबा इहदे विच जनाब मेरी मुलवस मनीब हुसैन तहसीलदार, तारक गरदावर ते पटवारी इमरान जेड़ा जंटी करदा इन्हां नाल सारा प्रापोगंडा गंढदा, इन्हां बहुत सारा पैसा लै के दो नंबरी कीती है, जैली इंतकाल बनाया, लिहाजा इन्हां ने कहा जी शजरा तस्दीक कीता है। साडे वकील साहब ने यह कहा शजरा तस्दीक नहीं जैली है। इन्हां ने तीन दिन का टाइम दे के 6 बजे शामी जा के डिंगे इंतकाल चार सड़िया। तो रही गल चो इकबाल साहब की, जेडे परत परत कहते हैं असं ओवरसीज़ हाँ ओवरसीज़ हाँ, सऊदी अरब रे ने इन्हां जनाब उत्थे मैं अलफ नाले गल करना, बंगालियां नू लुट के खाधा है, इंडियन लुट के खाधे ने, पाकिस्तानी आइए इन्हां दी जान नू रोंदे ने पे। चोई शफाक साहब ने जेड़े संधा वाले दे रहण वाले ने इत्थे चौधरी बने ने आके सानू ये चेची कहंदे ने, कोई कहें जो भी है रब दी जात जानदी है। लिहाजा गल ये है चोई शफाक साहब दा शराब दा कारोबार है बाहर दे मुल्क, ये जनाब बहुत पैसा जिधर जाते हैं पैसा सट्टी आते हैं, महकमा माल इन्होंने सारा खरीदया, साड़ी सुनवाई नहीं हो रही। साड़ी वजीरे आला पंजाब वजीरे आजम अगे गुजारिश ये है, और DCR अगे है, DPO अगे है, असिस्टेंट कमिश्नर खारिया अगे साड़ी दरखास्त है, जैली इंतकाल है, साडा हक है, सानू मिलना चाहिए, और बुजुर्ग ने इन्होंने को पूछ सकते हो। और चो इकबाल साहब ने जो क्या बकवास किया, जे जना चंगा तो रकबे में बह के वीडियो बनाता, सड़कों की चोरी वीडियो बनाया नहीं रकबे बनते। तो मेरा दूसरा बयान है हाजी लाल हाँ जिया साहब, हाजी सुल्तान अहमद साहब, ये चो इकबाल के मामू ने, ये जनाब मेरी अलफ दे नाल मक्के जा के न्याँ दे सड़न वासी ताबिया मजेरे हाँ चो इकबाल के, तो असी जनाब तस्लीम करा दे इन्हों का आवन जावन का मक्के मदीने का खर्चा साडा वेदा, चाहे उत्थे जा के उमरे करन साडा खर्चा होता, इन्हों रैशा का खाण पीण का टोटल जिन्ना खर्चा होगा, ए मेरे वाल साहब ने तो मैं ये जनाब मेरी अलफ दे नाल कहने। दूसरे नंबर पर गल ये है साडे वकील साहब ने इन्हें जा के दफ्तर के बीच बहुत पैसे की ऑफर की है, वह तुसी पैसा लै लो तो यह केस छड़ दो साडे अगे ना आवो, तो उन्होंने 5 किले एकड़ का भी इन्होंने ऑफर की है, उन्होंने कहा रकबा तुहाडा है ही नहीं, मैं तुहाडे कोल कित्थे लवां। चोई शफाक साहब ने यह कहा वा मेरे प्यू दादे दे विच 5 किले लै लो, जिस वेले असी ये लै रहे तुहानू चा दन, ये तुहाडा है ही नहीं, तुसी लैना कित्थों मैं, ये पैसा चलांदे ने बहुत फराडी ने, अलफ दे नाल गल करने आ, साडे वकील साहब ने ना किया होवे ते असी मुजरम साबित करके देंदे प्रूफ दे नाल। ADLR आकफ है उन्हां दी, इन्हां ने बड़ी पैसे की ऑफर की है जनाब, वा तू स्टे पिछा हटा, उसने कहा नहीं मेरा नौकरी का मामला, मैं हक सच दी नौकरी करना, लिहाजा इन्होंने दूसरे दिन उस दी ट्रांसफर करा छड़ी है। आवाज न्यूज हर लम्हा बाखबर, हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।